हेलो एवरीवन एंड वेलकम। मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं डॉप बॉक्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बुके ब्रश फॉर फोटोशॉप वॉल्यूम 10। दोस्तों, इस बुके ब्रश के यूज़ से आप अपने फोटोशॉप के ऑब्जेक्ट को, वेडिंग एल्बम, पीएचडी बैकग्राउंड और भी फोटोशॉप से बहुत सारे जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनते हैं, इस बुके ब्रश को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने इस फोटोशॉप के ऑब्जेक्ट को और भी ज़्यादा खूबसूरत औसम बना सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे इसे यूज़ करके और इसे लोड करके मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और आपको मालूम, आप फोटोशॉप में काम करते हैं, इसे इस ब्रश को कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग के प्रोजेक्ट के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते, इस ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो ब्रश है बुके ब्रश पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा, मैं बोल के पासवर्ड बता दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अच्छा से देखें पासवर्ड को सुनने के लिए। और दोस्तों, इस ब्रश का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो लिंक में आप क्लिक करके इस ब्रश को डाउनलोड कर सकते बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, और भी फोटोशॉप से बहुत सारे रिलेटेड आइटम मैंने अपने चैनल पर लाया हूँ और फ्यूचर में लाने वाला भी हूँ। और ये सारी चीज़ पाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मेरे चैनल के साथ बने रहें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दबाए बेल आइकॉन, सबसे पहले वीडियो मिले आपको। ये वाला लिंक है ब्रश का, ठीक है, ये वाला लिंक मेरे आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक को क्लिक करके इस ब्रश को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ये लिंक को, और इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ, एक नया विंडो ओपन कर लेता हूँ और इस लिंक को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, देन इंटर। ये देखिए दोस्तों, मैं अपने अडोब बॉक्स का वेबसाइट में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं लिंक के थ्रू से। ये यही बोकेन ब्रश फॉर फोटोशॉप वॉल्यूम 10 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, इसका आपको कुछ इस तरह ब्रशेस मिल जाएंगे, मैंने जो थंबनेल में यूज़ किया है ये वॉल्यूम 10 है। और इस ब्रश के बारे में मैंने पूरा डिटेल में भी लिख दिया है यहाँ पर ही, इसके फ्यूचर के बारे में, ये कौन सा टाइप होता है, ये ABR फाइल होता है ये ब्रश, ठीक है, और इस कितना MB का है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको नीचे वीडियो भी मिल जाएगा, आप इस वीडियो से भी देख के सीख सकते हैं। ठीक है, और जस्ट इस वीडियो के नीचे में आपको डाउनलोड बटन का बटन मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके आप मेगा डाउनलोडर में पहुंच जाइएगा। ये देखिए, ये मेगा डाउनलोडर ओपन हो गया, मैंने जैसे बटन को क्लिक किया तो ये मेगा डाउनलोडर में मैंने पहुँच गया। ठीक है, ये देखिए बोकेन ब्रश फॉर फोटोशॉप वॉल्यूम 10 है दोस्तों, यहाँ देखिए डाउनलोड का बटन है, जैसा मैं क्लिक करूँगा तो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पॉज कर दिया क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रश मेरे पास है। ठीक है, जस्ट मैं दिखाने के लिए आपको ये डाउनलोड करके दिखाया था कि ये डाउनलोड कितना आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मैं अपना विंडो पे। तो ये देखिए दोस्तों, डाउनलोड जब करिएगा तो ये जिप फाइल आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद बुके ब्रश फॉर फोटोशॉप वॉल्यूम 10, वॉल्यूम 1 से लेकर 9 तक का भी ब्रश मैंने अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। ये भी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत टाइप के दोस्तों ब्रशेस है, जिसे आप अपने फोटोशॉप के ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जिप फाइल पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद करें स्ट्राइक हियर। तो स्ट्राइक हियर जैसे करिएगा दोस्तों, एक इंटर पासवर्ड का विंडो ओपन हो जाएगा, जो पासवर्ड मैं आपको इसमें बोल के बताऊंगा यही पासवर्ड को इसमें लिखना है, देन ओके करिएगा तो आपको दोस्तों ये वाला फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, जब इस फोल्डर को दोस्तों आप ओपन करिएगा तो ये देखिए इसके अंदर बुके ब्रश मिल जाएगा, ये देखिए जो ये फाइल है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये फाइल को अब इसी फाइल को कैसे अपलोड करना है फोटोशॉप में और इसे यूज़ कैसे करना है, इसका तरीका भी मैं ज़रूर बता दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्केप ना करें। ठीक है, तो चलिए इस ब्रश का मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इतने सारे ब्रशेज आपको मिल जाएंगे इस फाइल्स के अंदर। ये देखिए इस तरह के आप लुक दे सकते हैं, मैं ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इस तरह का भी आप लुक दे सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूंगा कि कितने कितने डिजाइन के इसके अंदर ब्रश है, बाकी आपको कैसे यूज करना है अपने फोटोशॉप के ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जस्ट एग्जांपल दिखा दूंगा कि कितने कितने डिजाइन के इसमें ब्रशेस है। तो चलिए मैं फोटोशॉप में आ जाता हूँ, और इसके बाद मैं आ जाता हूँ एडिट में। एडिट में आने के बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ प्रीसेट्स में, देन प्रीसेट्स मैनेजर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रीसेट टाइप है, ठीक है, ब्रश ऑलरेडी सेट है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लोड में। लोड में आने के बाद दोस्तों मैं चल जाता हूँ डेस्कटॉप में, क्योंकि डेस्कटॉप में मैंने ये फाइल्स रखा हुआ, इसलिए मैंने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया। आप जहाँ पर वो फाइल रखे डाउनलोड करने के बाद, तो आप ये वाला लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बोके ब्रश का फोल्डर यह है। मैं क्लिक करता हूँ, फिर इस फोल्डर को भी क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन लोड कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बुके सारे ब्रशेस, बुके ब्रशेस इस प्रीसेट टाइप में लोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। देन डन कर देते हैं। चलिए अब इस ब्रश को मैं इसमें आपको कुछ ब्रश को यूज करके दिखाता हूँ कि कितने कितने प्रकार के और कितने टाइप के ब्रशेस हैं। तो चलिए हम लोग इधर जाए तो ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जस्ट क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए मैं फर्स्ट वाला आपको यूज करके दिखाता हूँ। इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए मैंने छोटा कर दिया, देन क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के ब्रशेस आपको मिल जाएंगे, और भी मैं आपको ब्रशेस दिखा देता हूँ। मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको यूज करके दिखा रहा हूँ कि इसमें कितने सारे डिजाइन हैं। आप इससे भी अच्छा आप डिजाइन बना सकते हैं इस ब्रश के यूज से, PhD बैकग्राउंड, वेडिंग एल्बम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखे डार्क एंड लाइट कलर का भी आप यूज कर सकते हैं। फिर मैं दूसरा डिजाइन ले लेता हूँ, अब मैं दूसरा मॉडल को ले लेता हूँ। चलिए इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फिर मैं कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देन ओके, देन क्लिक। तो इस तरह का लुक आप दे सकते हैं दोस्तों। इस ब्रश के यूज से आप अपने PhD बैकग्राउंड, वेडिंग एल्बम को एक नया यूज, नया लुक दे सकते हैं। चलिए अब दूसरा आपको मैं दिखा देता हूँ, चलिए ये वाला क्लिक करके दिखा देता हूँ। फिर मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, देन ओके, देन क्लिक। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के भी लुक आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर मैं दूसरा ब्रश ले लेता हूँ, चलिए ये ले लेता हूँ, कलर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, ओके, देन क्लिक। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह का भी आप लुक दे सकते हैं, इस तरह का भी डिजाइन आपको मिल जाएंगे। चलिए दूसरा ले लेते हैं, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, देन क्लिक। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का भी आप ब्रश इसमें मिल जाएगा आपको, जो आप अपने फोटोशॉप के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसे इजीली यूज कर सकते हैं। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि इतने 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 सारे डिजाइन के आपको ब्रशेस मिल जाएंगे। ठीक है, देन क्लिक। ये देखिए दोस्तों, है ना खूबसूरत और प्यारा रोशन टाइप का ब्रशेस दोस्तों। और भी बहुत सारे आपको ब्रशेस मिल जाएंगे दोस्तों इसके अंदर। मैं सारे ब्रश तो आपको यूज करके नहीं दिखा सकता, कुछ ब्रश मैं आपको यूज करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए ये वाला ले लेता। अब इसे दोस्तों रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से आपको रोटेट भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्लिक हो सकता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्लिक हो रहा है। और एक ब्रश आपको मैं यूज करके दिखा देता हूँ। चलिए ये वाला ले लेता हूँ, मैं इसे रिसर्च कर लेता हूँ, देन कलर फिर चेंज कर लेता हूँ। ओके, चलिए इसे अप्लाई करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के भी ब्रशेस आपको मिल जाएंगे। देखिए लग रहा ना ऑसम और डिफरेंट टाइप का। इसे यूज करके आप अपने फोटोशॉप के ऑब्जेक्ट को
एक नया लुक दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब पासवर्ड है 6666, आई रिपीट पासवर्ड इज 6666। तो दोस्तों अगर ये फाइल और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा कि जैसे मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।